हे गाइस, वेलकम टू शेलीज कुकिंग विंडो। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे मोमोज बनाना। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और डो रेडी करेंगे। डो ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम नॉर्मल सा डो हम रेडी करेंगे। डो स्टिकी होने लग गया है, अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसे नीड करेंगे अच्छे से। मोमोज का डो रेडी है और अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे मिनिमम 15 मिनट के लिए, और तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन में डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे हल्का सा भून लेंगे। लहसुन को हम ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। इसका थोड़ा सा पानी हम निचोड़ लेंगे और देखिए इसका एक्सेस पानी, ज़्यादा नहीं निचोड़ना, बिल्कुल हल्का सा जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे और फिर इसे ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और इसमें आप वेरिएशंस भी कर सकते हैं, आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं या अपनी मनपसंद वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। हमें वेजिटेबल्स को जस्ट सौते करना है और 1 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, आप साथ साथ मोमोज की चटनी रेडी कर सकते हैं जिसकी रेसिपी का लिंक मैं कार्ट में दे दूंगी। बहुत ही अच्छी चटनी रेडी हुई थी, बिल्कुल जैसे बाहर आपको मार्केट में मिलती है, आप एक बार उसे ज़रूर चेक करें। मैं लिंक कार्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। मिक्सचर ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट और पेपर को आप मिक्सचर ठंडा होने के बाद ही ऐड करें, नहीं तो फिलिंग पानी छोड़ जाएगी। मोमोज की स्टफिंग भी रेडी है, डो भी रेडी है, तो चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। यहाँ डो अच्छे से रेस्ट होकर रेडी है, इसको एक बार नीड कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। अब हम इस डो की छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है जिसमें इसे डस्ट कर लेंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे। शेप का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखें कि इसे आप पतला बेलें। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डालें और इस तरीके से हम मोमोज को शेप देंगे। और देखिए जब सारी प्लेट्स बन जाएं उसके बाद इस तरीके से इसे ट्विस्ट कर दीजिए और लॉक कर दीजिए। हमारा पहला मोमो रेडी है, इसी तरीके से बाकी मोमोज भी रेडी करेंगे। सभी मोमोज रेडी हैं, यहाँ पर टोटल 12 मोमोज बनकर रेडी हुए थे। और यहाँ मैंने इडली स्टैंड लिया है जिसमें मैंने स्टीम करूँगी। स्टैंड पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि मोमोज चिपके ना, और सभी मोमोज को प्लेस कर देंगे। और कुकर में पानी डालकर पहले ही मैंने गरम कर लिया है। और अब मुझे मेरे इडली स्टीमर का लॉक नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया, तो चलिए कोई नहीं, इसके बिना ही स्टीम कर लेंगे। कुकर में पानी गरम हो चुका है और अब हम इसमें अपने स्टीमर को प्लेस कर देंगे। कुकर की विसल मैंने निकाल दी है और अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट बाद हमारे मोमोज स्टीम होकर रेडी हैं, तो चलिए गर्मा गर्म इन्हें सर्व करते हैं। इन्हें मैंने सर्व किया है मोमोज वाली रेड चटनी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।